Good morning, church. I hope you're all having a wonderful Sunday. कलीसिया जेम्सी की और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आज के दिन आनंद मना रहे हैं. Many of you might be thinking, where am I? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बिशप साहब आप कहाँ पर? I'm still in Gorakhpur. मैं अभी भी गोरखपुर में. Because there are so many things to be done. क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ पर है जो करना है. As you see, the new office has been completed. और जैसे कि आप देखते हैं कि नया ऑफिस का निर्माण हो चुका है. The boundary wall has been done. और यहाँ पर जो बाउंड्री का दीवार खड़ा
काम होना था वो नाउ वी गेटिंग अदर ऑफ द रिपेयर वर्क बीइंग डन और बाकी कुछ मरम्मत के काम थे जो करने थे अब वो चल रहा है So I think I'm going to be here another 2 months. और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता आने वाले 2 महीने भी मुझे इधर ही काटना पड़े. But I am glad that each one of you are okay and doing well in the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में अच्छे हैं और स्वस्थ में हैं. This morning. आज की सुबह. I have a very special word for you as parents. और आप माँ-बाप के लिए मेरे पास एक विशेष संदेश है. Many of you are being very concerned and worried about your children. आप में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं. You are worried and concerned because many of you parents, I have heard saying and many called me and said, when are the schools reopening? और आप में से बहुत सारे माँ-बाप ने मेरे साथ जब फोन में बातचीत किया, आपने अपने चिंता प्रकट करते हुए बोला, बिशप साहब हमारे बच्चों का स्कूल कब खुलेगा? Schools are all shut down. स्कूल सब बंद हो चुके हैं. Colleges are shut down. कॉलेजेस बंद हैं. Are the schools going to reopen? क्या स्कूल वापस कब खुल पाएंगे? Are the colleges going to reopen? Yes. कॉलेज वापस खुल पाएंगे वेल हियर इज द वर्ड वेल ये आपके लिए शब्द ये है स्कूल्स कंटिन्यू टू रिमेन शट डाउन स्कूल्स अभी भी बंद ही रहेंगे कॉलेजेस कंटिन्यू टू रिमेन शट डाउन कॉलेजेस अभी भी बंद ही रहेंगे दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग अभी तक का सरकार का निर्देश यही है बिकॉज द कोविड पैंडेमिक इज रियली Rising high, numbers are increasing. क्योंकि ये कोविड की महामारी बहुत ही ज्यादा फैल रही है और बढ़ रही है और लोग इसे बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हैं. And because of all of this, और इस सब के बीच में, and the social distancing, और जो हमने social distancing का पालन रखना है, how can you have 25-30 children? Come together in one classroom. कैसे हो सकता है कि एक ही क्लासरूम के अंदर 25-30 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सके? So the government also doesn't know how to handle this. इसलिए सरकार को भी पता नहीं कि किस प्रकार से हम इस चीज को हैंडल करें. Because they all want the well-being of every citizen and every child. क्योंकि हमारी सरकार भी चाहती है भारत देश की सरकार चाहती है कि हमारे देश के हर एक नागरिक बिल्कुल सुरक्षित और हमारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहे तो यू एंड योर फैमिली ऑल बी सेफ ताकि आप और आपका परिवार भी अपने घरों में सुरक्षित बैठे Now at the same time, इसके साथ ही, the concern the parents have brought about, माँ-बाप ने चिंता प्रकट किया, there is only little that is going on online. और ऑनलाइन में सिर्फ थोड़ी पढ़ाई है जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं. I heard another mother say, और एक माँ ने मुझे ऐसा बोला, the online classes are happening. कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है. And it's all on the internet. ये सब इंटरनेट के द्वारा हो रहा है. I cannot sit 24/7 with my child to watch what my child is doing. मैं 24 घंटे बैठकर ये नहीं देख सकती कि 24 घंटा मेरा बच्चा क्या कर रहा है. Online there are so many things that are happening. ऑनलाइन बहुत सारी चीजें चल रही है. And while my child is doing online classes. और जब एक बच्चा ऑनलाइन क्लासेस को सीख रहा है, could be going somewhere else doing something else on the net. और इंटरनेट में आगे पीछे भी वो बच्चा अपना ध्यान भटका सकता है. And because of that, the children are going into wrong things. और इसी कारण बहुत सारे बच्चे जो है गलत दिशा की ओर मुड़े जा रहे हैं. My child staying in the house. मेरा बच्चा जो मेरे घर में रहता है. Is getting very stubborn. और वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो रहा है. Very arrogant. वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर रहा है. He's always wanting this and that. वो हमेशा ये चीज वो चीज चाहिए बोलता रहता है. I don't know how to handle this. मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से मैं इस बात को. Many parents are concerned. बहुत सारे माँ-बाप इस बारे में चिंतित हैं. But my dear dads and moms. और मेरे प्रिय पिता और माताएं. Dear fathers and mothers. जितने भी माता-पिता मुझे देख रहे हैं. How wonderful that the children are in your home. कितनी अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके साथ आपके घर. Children are in your house. आपके बच्चे आपके साथ आपके घर में हैं. Spend quality time with the children. अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें.
Do you know what the children here say? क्या आप जानते कि बच्चे क्या बोलते हैं? You know what the children were saying? आप जानते हैं बच्चे क्या बोल रहे थे? My father has no time for me. मेरे पिता के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं. My mother has no time. मेरी मम्मी के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं. My father is all the time office work. मेरे डैडी जो है हमेशा ऑफिस के काम में व्यस्त है. Children come back from school. बच्चे जब स्कूल से वापस लौटते हैं. The father, they don't see the father. वो अपने डैडी को नहीं देखते. Father comes at 5 o'clock in the evening. शाम को डैडी 5 बजे वापस आता है. He tired, exhausted. और वो थक गया हो. Watching the television. और वो टीवी को देखते हैं. Or going out with the bike to meet his friends. और शायद वो बाइक लेकर आप अपने दोस्तों को मिलने निकल जाता है. Children come from school. और जब बच्चे स्कूल से आते हैं. Mother is busy in the kitchen. मम्मी जो है वो घर में रसोई खाने में व्यस्त. Or she is watching her favorite show. शायद से टीवी में कोई शो देख रही है. Or maybe mother has gone out for kitty party or other things. या फिर माँ अपने दोस्तों को मिलने के लिए बाहर जा चुकी हो. Many children have been neglected. बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार से Many children are hurting. बहुत सारे बच्चे चोट में हैं. No wonder. इसीलिए Many children have gone to find their answers with wrong people. इसी वजह से उनको उत्तर खोजने के प्रति वो लोग गलत दिशाओं में गलत लोगों की संगति में. This is the 21st century. हम 21वीं सदी में जीते. Children are very advanced. बच्चे जो है सोच विचार में बहुत आगे है. They know how to run the television. वो जानते हैं कि टेलीविजन टीवी कैसे चलाना है. They know how to go on the net. वो जानते हैं कि इंटरनेट में कैसे जाना. They know how to search everything. वो जानते हैं कि किस प्रकार से मैंने खोजना. How? कैसे? Computer classes. Computer की classes. So they have learned everything. सब कुछ सीख लिया है. My dear parents. मेरे प्रिय माँ बाप. Don't get angry and upset and worried. अरे आप गुस्सा या फिर चिंतित या फिर परेशान ना हो. The children are in your home. ये बच्चे आपके साथ आपके घरों पर हैं. Spend time with your children. अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें. Spend time with your son. अपने बेटे के साथ. Spend time with your daughter. अपने बेटी के साथ समय. Love them. उनको प्रेम करें. Listen to them. उनकी बात को सुने. They have so many questions. उनके बहुत सारे सवाल हैं. Many young children are so lonely. बहुत सारे नौजवान बच्चे कितने ही ज्यादा अकेलेपन से गुजर के जा रहे हैं. As a father, एक पिता होने के नाते, have you spent time with your son? क्या आपने अपने बेटे के साथ समय व्यतीत किया? Have you spent time with your daughter? आपने अपने बेटी के साथ समय व्यतीत किया? As a mother, एक माँ होने के नाते, are you concerned what your daughter is going through? क्या आपने ये चिंता व्यतीत किया है कि मेरी बेटी किस दिशा में से गुजर रही है? She's going through physical changes. क्या वो अपने शारीरिक शरीर में कुछ बदलाव में से गुजर के जा रही है? And she doesn't know, she's shy to even ask her mother. और वो नहीं जानती, शायद शर्म के कारण अपने माँ से भी नहीं बातचीत कर रही. And so that's why no wonder she's asking her friends. इसी कारण वो इन सवालों का उत्तर अपने दोस्तों से पूछती. Friends, मेरे दोस्त, they make a laugh and mockery the whole day. दोस्त जब सुनते हैं इस बात का हंसी और ठट्टा उड़ाते हैं. And they give wrong ideas to your children. और वो गलत विचारधाराएं आपके बच्चों के मनों के अंदर डाल देते हैं. My dear fathers and mothers, मेरे प्रिय माँ बाप, we live in a dangerous world. हम एक खतरनाक दुनिया में जीते. We live in a world full of filth and all sorts of evil prevailing. और एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पर गंदगी और बुरी बातें फैल रही है. Don't take things for granted. चीजों को साधारण रूप से ना. Find out what your son is doing. ढूंढो क्या आपका बेटा. Find out what your daughter is doing. ढूंढो क्या आपकी बेटी क्या. Get involved in their life. उनके जीवन में आप एक अंश बन जाए. It's so important. और ये जरूरी है. For that, इसी कारण, there are three important parental duties I want to bring before you. तीन ऐसे आपके जीवन में आपके आपके बातें होनी चाहिए, नियम लागू होने चाहिए कि आप एक माँ बाप किस प्रकार से बन सकते. As parents, माँ बाप होने के नाते, three important duties. तीन ऐसे विशेष आपके कार्य. Or you may call it as kartavya. आपके कर्तव्य. But these which I'm going to bring before. आपके तीन कर्तव्य एक माँ बाप होने के नाते आपके सामने रखना चाहिए. Number one. पहली बात. Deuteronomy. व्यवस्था विवरण. Chapter 6. और
6 अध्याय and verse 7 और देखो 7वीं आयत में क्या लिखा है Deuteronomy व्यवस्था विवरण chapter 6 I hope you're all please take the notes if you want to और अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं उनको जरूर लिखिए don't open your bible अपने बाइबल ना because you're going to be read in hindi क्योंकि मैं हिंदी में पढूंगा please note this down on a take a pen and paper एक पेन पेपर लेके आयतों को लिख लो just write down उसको लिख लो the reference और जो रेफरेंस है and the point और फिर जो पॉइंट कहा Let us sit and meditate on it. और उसके बाद उन चीजों को मनन करें. All right, Andrew is going to read Deuteronomy 6 verse 7. व्यवस्था विवरण 6:7 में इस प्रकार से लिखा है और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना Listen to this. ध्यान से सुने Impress them on your children. और इनको अपने बच्चों के जीवन के अंदर तू थमा दे. You know what the word impress means? और आप जानते हो कि उनके जीवन के अंदर इस बात को थमाने का मतलब. If I say impress means. और अगर मैं थमाने का वो शब्द बोलू. It should leave a mark. इसका मतलब वो एक छाप छोड़ना चाहिए. If I press over here hard, अगर मैं अपने हाथ को जोर से दबाऊं, it leaves an impression. देखो एक छाप छूट जाती है. Something been pushed. एक छाप छूट जाती है. Impress means छाप छोड़ने का मतलब leave it deeply. और उनको गहरे रूप में छोड़ देना. On whom? किनके ऊपर योर नेबर आपके पड़ोसी और द अदर पीपल या फिर दूसरे लोग योर चिल्ड्रन आपके बाल बच्चे इंप्रेस ऑन योर चिल्ड्रन और अपने बाल बच्चों पर छाप छोड़ो हाउ कैसे टॉक अबाउट देम उनके बारे में चर्चा करो दोस मैटर्स और वो बातें दोस टॉपिक्स वो चीजें दोस कंसर्न और वो चिंताएं दोस क्वेश्चन वो सवाल Talk about them उनके बारे में बातचीत करें When you sit at home जब आप घर में बैठते हो You're worried your children are at home आप चिंता में हैं कि आपके बच्चा के घर पर है Here's the Bible saying Bible कहती है When your children are at home जब आपके बच्चे आपके घर पर है Talk to them उनके साथ बातचीत करें When you walk along the road जब आप सड़क के किनारे होकर चलते When you're lying down on the bed with your children जब आप अपने बिस्तर में अपने बच्चों के साथ लेटते When you wake up जब आप उठते हैं Talk to your children अपने बच्चों से बातचीत करें Are you surprised? क्या इस बारे में आप आश्चर्यचकित हैं? That's what the Bible is saying. बाइबल यही तो कहती है. Impress it in the life of your child. आपके बच्चों के जीवन के अंदर ये बात को छाप के रूप में. Daddy and mommy. Daddy और मम्मी. Fathers and mothers. माँ और बाप. There you have grandparents. अगर आपके घरों में दादी दादा या नाना नानी भी है Impress it in the life of your child today. आज आपके बच्चों के जीवन के अंदर ये छाप In this lockdown. इस लॉकडाउन में God has brought the children at your footstool. और परमेश्वर ने आपके बच्चों को आपके उपस्थिति में के अधीनता में लाया है Talk to your children. बच्चों से बातचीत करें Hear what they have to say. सुने वो क्या कहना चाहते हैं. They have questions. उनके सवाल है. Talk about it. उसके बारे में बातचीत. While sitting in the house. जब घर पे बैठे हैं. Maybe walking on the road. You're taking an evening walk. शायद से आप सड़क में शाम को चल फिर रहे हैं. When you lie down. जब आप लेटते. When you wake up. जब आप उठते हैं. My son Andrew. मेरा बेटा है. And my daughter Christina. मेरी बेटी क्रिस्टीना. You can ask them. आप उनसे पूछ सकते हैं. There are so many times. बहुत सारे समय हैं. I get into a conversation. जब मैं उनके साथ बातचीत करने बैठता. Andrew, what's going on? Andrew, क्या चल रहा है? Tell me what's happening. मुझे बताओ क्या हो रहा है? What's going through your mind? तेरे मन में क्या चल रहा है? There are times when I ask that. जब बहुत समय होते जब मैं उनसे पूछता. See, listen to me very carefully. ध्यान से सुने. Don't be as a father. देखो एक पिता का रूप ही मत रखना Don't take the role of as being a mother. और एक माँ ही होने का आप रूप मत लेना Take a step further. एक अगला कदम आगे जाओ Be a friend. एक दोस्त बन जाओ Laugh with them. उनके साथ हंसो Joke with them. उनके साथ हंसी मजाक करो They should feel comfortable to open up. और उनको बहुत ही ज्यादा आरामदायक महसूस होना चाहिए Many children do not open up. बहुत सारे बच्चे नहीं बांट पाते Because they are afraid of their daddy and mommy. क्योंकि वो अपने माँ बाप से डरते हैं How do I ask this question? मैं ये सवाल कैसे पूछूं? What will they say? वो क्या बोलेंगे? Maybe they will shout at me. अरे वो शायद से चिल्लाएंगे. Will they get angry?
at me. शायद से वो गुस्सा करेंगे. This is the reason. यही कारण. They don't talk to you. वो आपसे बातचीत. They don't ask you. वो आपसे पूछते. They don't speak to you. वो आपसे बातचीत. They don't pour out their heart to you. वो दिल को नहीं बांटते. And they do it in the wrong place. और वो गलत जगहों में जाके करते हैं. Wrong friends. गलत दोस्तों के बीच. Wrong people. गलत लोगों के बीच. Wrong grown up people. और गलत बड़े हुए लोगों के बीच. And the result of that. और इस वजह से. These people give them wrong ideas. और ये लोग उनको गलत विचार धाराएं देते. My dear father and mother. मेरे प्रिय माँ बाप. My dear parents. मेरे प्रिय मम्मी डैड. Number one. पहली बात. If you want to see your children change. अगर आप अपने बच्चों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं. Teach your children. अपने बच्चों को सिखाए. Number one. पहली बात. As a parental duty. एक माँ बाप होने का कर्तव्य. Teach your child. अपने बच्चों को सिखाओ. Teach them. अपने बच्चों को सिखाओ. The ways of the Lord. परमेश्वर के रास्ते. Teach them. सिखाओ. What is right? What is wrong? क्या सही है? क्या गलत है? What is good? What is bad? क्या अच्छा है? क्या बुरा है? Teach them now. उनको आज ही सिखाओ. In this lockdown situation. इस lockdown के बीच. Don't be worried about getting the children out of the house. अरे ये मत चिंता करो कि बच्चों को मैं बाहर कैसे लेके जाऊं. Best opportunity. अरे सबसे अच्छा समय है. Don't drive them away from the home. और घर से दूर मत लेके जाओ. But spend time with them in your house. आपके ही घर पर उनके साथ बैठकर समय व्यतीत करो. Impress it. और उनके जीवन में छाप छोड़ो. When you are sitting in the house, जब आप घर पे बैठे, when you're walking by the road, जब आप रोड के किनारे, when you're lying down, जब आप लेटते, when you wake up, जब आप उठते, spend time with your son and daughter. अपने बच्चे, अपने बेटी के साथ समय बिताओ. They want to pour out their heart to someone. वो अपना दिल किसी के साथ बांटना चाहते. Number two, दूसरी बात, Proverbs, वो नीति वचन, 22, और 22 अध्याय. And verse 6. और छह आयत. It's a very familiar passage. और ये एक ऐसी आयत है जो हम सब जानते हैं. And you have heard this verse many times. और आपने इन आयत को बड़े बार सुना है. See Proverbs 22. नीति वचन 22. It is write down Proverbs 22. सब लोग लिखें नीति वचन 22. And verse 6. और ये छह आयत. See what it says there. मामा लिखता है. Now listen. लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा. ट्रेन अ चाइल्ड. एक बच्चे को प्रशिक्षण दे. इन द वे ही और शी शुड गो. जिस मार्ग पर उसको चलना चाहिए. सो दैट व्हेन ही और शी इज ओल्ड. कि जब वो बुढ़ापे में आए. दे विल नॉट टर्न फ्रॉम इट. वो उससे हट ना पाए. What do parents do? माँ बाप क्या करते हैं? Little baby. छोटे बच्चे. 6 months old. छह महीने. Oh, my lovely darling baby. ये तो मेरा बहुत ही लाडला. Oh, this is my munna. This is my laddu. This is my barfi. ये मेरा मुन्ना है, मेरा लड्डू है, मेरा बर्फी. That laddu barfi becomes 1 year old. और ये लड्डू बर्फी अब 1 साल का होता. Becomes 5 years old. अब 5 साल का होता. They don't do any correction. और कोई उनको ताड़ना नहीं देते. They don't correct the child. अपने बच्चों को शिक्षा नहीं. They don't train the child. अपने बच्चों को प्रशिक्षण नहीं. They don't do anything right for their children. अपने बच्चों के लिए जो करना नहीं. They let the children go on. अपने बच्चों को मनमानी करने देते. Now the child is crawling around. अब बच्चा जो है वो लंगड़ते हुए चल रहा. And now the crawling is over. Now the child is standing up. बच्चा जो है खड़े होकर चलने लगा है. And after walking. और चलने के बाद. He's going and damaging everything. और चीजों को तोड़ता है. And he's breaking everything. चीजों को तोड़ता है. Pulling everything down. सब चीजों को नीचे गिराता है. And when you correct the child. जब आप बच्चों को आप शिक्षा देते हैं. The child is screaming and crying. बच्चा चिल्लाते हुए रोता है. And then you carry the baby. फिर बच्चों को उठाते हैं. Oh, it's okay. कोई बात नहीं, संभालते. This is where many parents have failed. यहाँ पर बहुत सारे माँ बाप हार जाते हैं. Many parents have failed. हार जाते हैं माँ बाप. I have a niece. और मेरी भांजी. She's in Delhi. वो दिल्ली में है.
And she loves her baby very much. वो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है. And she and her husband love that baby girl so much. वो और अपने पति जो मिलकर अपने बच्चे को She's a sweet, sweet darling angel. और वो बच्ची इतनी ही प्यारी और खूबसूरत बच्ची है. She looks like an angel. और वो एक फरिश्ते समान दिखती है. The sweetest smile. और कितनी ही खूबसूरत मुस्कुराहट है. But when she gets into doing things, और जब वो आगे पीछे चलती फिरती है, she is the boss of the house. वो घर की मालकिन बन जाती है. She will drop everything. चीजों को गिराती है. She will pull anything. कोई भी चीज उसके हाथ. She will put her hand everywhere. हर जगह हाथ डालेगी. And then finally, थोड़ी देर बाद, when the mother corrects her, और जब माँ जो है अपने बेटी को डांटती है, then she points her little finger. और वो अपनी छोटी उंगली माँ की तरफ उठाती है. And she scolds her mother. And she scolds her. और अपनी माँ को उल्टा डांटने लग जाती है. And then if the mother scolds more, और फिर मम्मी जब ज़्यादा डांटती है, then she starts crying. और फिर वो रोने लगती है. Then daddy comes in. और फिर जब डैडी आते हैं, and carries the little baby. और डैडी जो है बच्चे को उठाते हैं. Oh, no problem, no problem, no problem. कोई बात नहीं मेरा बच्चा. My dear parents, मेरे माँ-बाप. It's good to love your children. अच्छी बात है अपने बच्चों को प्रेम करना. Our children are our darling kids. हमारे बच्चे हमारे बहुत ही प्यारे हैं. We love them. हम उनसे प्रेम करते हैं. But when they do wrong, लेकिन जब वो गलत करते हैं. When they disobey, जब वो आज्ञा का पालन नहीं करते. When they do things they should not be doing, जो वो करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. Correct them. उनको ताड़ना. Rebuke them. और उनको सही बात बताना. If you have to punish them lightly, do punish them. अगर छोटे तरीके से अगर आपको सजा भी देनी है, because if you don't do that now, अगर आप अभी ना करें, when they grow old, जब वो बड़े हो जाएं, they will still do those wrong things. फिर भी वही गलत मार्गों पर चलते रहते. That is why. इसीलिए. It says here. Train a child in the way he she should go, so that when he or she is old, they will not turn from it. वो उसे ना फिर पाए. Do you know? आप जानते हैं? I have heard. मैंने सुना. 3-year-old children. 3 साल का बच्चा. 3-year-old children. 3 साल के बच्चे. Using bad language. वो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं. Using bad words. गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं. Result of that. इसकी वजह से. The parents do not say anything. माँ-बाप कुछ नहीं बोलते. Oh, small baby. अरे ये छोटा बच्चा. When it becomes big, जब बड़ा हो जाएगा, he will realize. फिर उसको समझ आएगा. He'll become okay. फिर ठीक हो जाएगा. Because you did not correct now. क्योंकि अभी आपने उसको ताड़ा नहीं. Because you did not rebuke them. क्योंकि अभी आपने उसको ठीक नहीं किया. Because the word of God also speaks. वचन ये भी कहता है. Spare the rod. और आप अपने बच्चों को ताड़ना करें. Spare the rod. और अगर आप अपने बच्चों को सही ताड़ना ना दे. Spoil the child. तो फिर आप बच्चे को बिगाड़ देंगे. If you spare the stick. और अगर आप 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 डंडे का इस्तेमाल ना करें. You spoiling the child. आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. The Bible teaches us. Because you do not correct and rebuke, क्योंकि आप अपने बच्चों को सही ताड़ना नहीं दे रहे, spoiling the children, और अपने बच्चे को बिगाड़ रहे. My dear parents, मेरे प्रिय माँ-बाप, correct them, उनको rebuke them, उनको सही, scold them, उनको डांटे, say no to them, और उनको ना बोले. If you have to use the stick, use it like. अगर छोटा डंडा इस्तेमाल करना है तो करे. But you're doing it for their betterment. लेकिन आप उनकी भलाई के लिए करते. Because you love them. क्योंकि आप उनको प्रेम करते. That's the second thing. ये दूसरी बात. Train them. उनको प्रशिक्षण दे. In the ways of the Lord. परमेश्वर के मार्गों. Correct them now. उनको आज ही ताड़ना. Rebuke them now. उनको डांटे. Say no to things. उनको ना बोले. And when you do that, जब आप करेंगे. When they're old, जब बड़े होंगे. They will remember those things. वो उन बातों को याद रखेंगे. Number one, पहली बात. Teach your children as parents your duty. Teach them. माँ बाप होने का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें. Number two, दूसरी बात. Train them. आप अपने बच्चों को प्रशिक्षण दें. Number three, तीसरी बात. Here is what it says there. यहाँ पर कहता है. Ephesians chapter 6 and verse 4. और 6 की 4 आयत. Ephesians 6 chapter 6 verse 4. उसकी चार आयत में लिखा है. Listen what it says there. वहाँ पर लिखा है. और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो. Do you know what that means? वहाँ पर क्या लिखा है? Did you even understand what it said? क्या आपको समझ आया?
Hey parents, hey maa baap, do not make your children angry. Apne bacche bachchon ko gussa na dilao. Do not make them full of hatred. Apne bachchon ko apne bachchon ko ke man ke andar shatruta mat paida karo. Instead, lekin bring them up unko palan poshan in the training प्रभु की शिक्षा में एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ और परमेश्वर की चेतावनियों में. How many parents do that? कितने माँ बाप करते हैं? When the child is doing something wrong, बच्चा कुछ गलत करता है. You take a stick, आप डंडा लेते हैं. Maybe you take a belt, शायद से बेल्ट ले लेते हैं. Maybe you take a wire, शायद से electric wire, बिजली का तार ले लेते हैं. Beat the child. और बच्चे को इतनी बेरहमी से मारते हैं. I've seen some parents. मैंने कुछ माँ बाप को देखा है. I've seen some father. मैंने कुछ बाप को देखा है. I'm talking Christian families. मैं मसीह परिवारों की बात कर रहा हूँ. Grabbing the hair of the child. और बच्चे का बाल खींचते, slapping the children, और बच्चे को मुंह पर थप्पड़ मारते. I've seen some parents. मैंने कुछ माँ बाप को देखा. Kick their children. अपने बच्चों को लात मारते. Not just parents, fathers. सिर्फ बाप नहीं, even mothers. माँओं ने भी ऐसा किया है. I was shocked. और मैं चकित रह गया. Seeing a mother, एक माँ को देखते हुए, hold the daughter's hair. अपनी बेटी के बाल को उसने पकड़ा. 6-year-old girl, 6 साल की बेटी, and taking the sandal, और अपने चप्पल उतारा माने, beating on the head, और उस चप्पल को लेकर अपने बेटी के सर पर मार, putting the child on the floor, और बच्चे को नीचे जमीन में दबोच के रखा, beating on the back, और उसके पीठ पर चप्पल लेके मार रही. What are we doing? हम कर क्या रहे? Correcting your child, अपने बच्चे को हम क्या? You're correcting your children, अपने बच्चे को ताड़ना नहीं. No, नहीं. You're creating hatred and enmity. आप उन बच्चे के मन के अंदर शत्रुता नफरत पैदा कर रहे. Parents, don't get me wrong. माँ बाप मुझे गलत ना. Correct your children, अपने बच्चों को rebuke them, उनको डांटे. But the word of God says, in the love of God. लेकिन वचन कहते हैं परमेश्वर के प्रेम में होकर. Fathers, पिताए. Mothers, माताएं, do not exasperate your children. अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं. Instead, bring them up. लेकिन उनको पालन पोषण करें. Training और शिक्षा में. And instruction, प्रशिक्षण of the Lord. परमेश्वर की चेतावनी. This is the third thing. ये तीसरी बात. As godly parents, परमेश्वर के माता पिता होने के नाते. Correct and rebuke your child. अपने बच्चों को आप ताड़ना दें. In the love of God. Parmeshwar ke prem mein. As parents. Maa baap hone ke. Here are three things. Teen baatein. Teach. Shiksha de. Your child. Apne bachchon ko. Teach your child. Apne bachchon ko shiksha. The ways of God. Parmeshwar ke maar ko. Number two. Uski baat. Train your child. Apne bachchon ko prashikshan de. In the ways of God. Parmeshwar ke maar ko. Number three. Teesri baat. Love your child. अपने बच्चों को प्रेम. By correcting and rebuking. उनको ताड़ना देते. In the ways of God. परमेश्वर के प्रेम में. You want your children. आप चाहते हो अपने बच्चों को. To grow up like you. कि आपके जैसे वो पले बढ़े. You want your children. आप चाहते. To be godly kids. कि आपके बच्चे परमेश्वर का डर. If you want your children. अगर आप चाहते. To grow up and mature and walk in the ways of God. परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाले बने. Daddies and mommies, माता पिताओ, fathers and mothers, माँ बाप, spend time with your children. अपने बच्चों के साथ समय बिताओ. Spend time with your kids. बच्चों के साथ समय. Get involved with them. उनके साथ आप मिल जुल. Love them. उनको प्रेम करें. More than being a parent. एक माँ बाप होने के इससे बढ़कर. Be a friend to them. एक दोस्त बन जाए. And you will see the change. आप बदलाव को देखें. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Gracious Lord, our loving Heavenly Father, I thank you for all our dads and moms. धन्यवाद सारे माता पिताओं के. Thank you for all those dear parents out there. धन्यवाद जितने मैं बाप बाप. Who are today going through a challenging situation. जो आज एक परेशानी के समय से गुजर के जा रहे हैं. Because of the kids. उनके बच्चों के कारण. Father, in the name of Jesus.
the name that is above every name, I pray for these children, parents. I pray for the daddies and mothers. Give them wisdom. Give them understanding. And I pray that they will be able to be patient and kind. That they will spend time with their children. More than being parents. They will be friends to their children. बच्चों के लिए दोस्त बन जाए, that they could sit with them, कि उनके साथ बैठे, laugh with them, उनके साथ हंसे, talk with them, जो उनके साथ बातचीत, listen to them, उनको सुने, hear their questions, उनके सवालों को सुने, answer them, उनका उत्तर दे, with all of that, इन सब के साथ, they could teach them, उनको सिखाए, train them, उनका प्रशिक्षण, and love them, उनको प्रेम करे, and enable their children to walk in the ways of God. और ताकि वो अपने बच्चों को मदद करे परमेश्वर by which जिसके द्वारा they can fulfill their duties वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके in a godly way परमेश्वर के वचन के अनुसार by being godly parents ताकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मां-बाप thank you for these children you've given us धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए जो दिया these children are a gift from you O Lord बच्चे तेरे तरफ से दिए हुए देन है enable us हमें मदद करें that we can spend time to teach and train and love our children in the ways of God. ताकि हम समय व्यतीत करें कि हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें उनको सिखाएं और प्रभु प्रशिक्षण करें और तेरे प्रेम में लें Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के We ask in Jesus most precious and holy. यीशु के मीठे और पवित्र नाम से Amen and amen. आमीन और आमीन. Church, God bless you. Kalisiya Parmeshwar aapko aashish I believe God spoken to you. Main vishwas karta hu Parmeshwar ke vachan se aapne baat ki hai. Ye hafta. This week, I know suddenly this came into my mind. Ye hafta ye cheez mere mann mein aayi. This week. Ye hafta. Have some fun time with your children. Bachchon ke saath acha samay bitaye. Take some quiet time with your children. Bachchon ke saath achi shanti mein samay bitaye. Maybe sit down and watch a wonderful movie with your children. Bachchon ke saath baith kar ek achi film dekho. Listen to your son. Apne beta ko listen to your daughter. Apne beti ko suno. And get involved with them. और उनके साथ समय व्यतीत करो. It's going to be wonderful. बहुत ही अच्छा. God bless you. हमेशा आपको आशीष दे. All of you stay safe. अपने घरों में सुरक्षित रहें. Stay healthy. और अच्छे स्वास्थ्य में रहें. And God bless each one of you. हमेशा आप सबको आशीष दे. Till we meet again. फिर से हम मिलने से पहले. Let's remember each other in our prayers. एक दूसरे को हम प्रार्थनाओं में याद रखें. God bless. जय मसीह की.